तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक ऐप के अपडेट के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, सैमसंग गैलेक्सी के अंदर आपको सैमसंग अकाउंट लॉगिन करने का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फीचर्स होते हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि सैमसंग में हर एक सेटिंग की अलग अलग ऐप बना रखी है और सब पे अलग अलग अपडेट आता है। तो आज का अपडेट बताने वाला हूँ सैमसंग अकाउंट ऐप के अपडेट के बारे में, कि इस अपडेट के बाद क्या नए चेंजेस किए गए और इस ऐप के अंदर होता क्या क्या है, या इस सेटिंग के अंदर होता क्या क्या है, पूरी डिटेल में आगे आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआई टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग अकाउंट ऐप के नए अपडेट के बारे में, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है अपने मोबाइल की यहाँ पर सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर अपने सैमसंग अकाउंट वाले ऐप में। यहाँ जाने के बाद आपको जाना है थ्री डॉट्स पे जाने के बाद, जैसे कि ओपन करने में जितना भी टाइम लेगा, पहले आपको उसको ओपन करने देना है। उसके बाद जाना है थ्री डॉट्स पे एंड देन जाना है अबाउट सैमसंग अकाउंट पे। तो आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल रहा होगा। तो आपको सिंपली उस अपडेट वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस अपडेट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, वो आपको ले जाएगा आपके गैलेक्सी स्टोर पे एंड देन वहाँ पर बता देगा आपको एक नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल। अब यहाँ पर आप नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे इस अपडेट को रोल आउट किया गया 22 मई को। इस अपडेट को रोल आउट किया गया है, जिसका वर्जन नंबर है 14.9.00.4, जिसका अपडेट साइज है 35.65 MB का। अब बात करें इस अपडेट में क्या नए चेंजेस किए। ओवरऑल इस अपडेट में कुछ नए चेंजेस नहीं किया गया है, बग्स को फिक्स आउट किया गया है, सिक्योरिटी को इम्प्रूव की गई है और कुछ इनहांस छोटे मोटे फीचर्स एड ऑन किए गए होंगे। तो पहले तो मैं कर लेता हूँ इसको अपडेट। अब अपडेट करते टाइम अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसका यूजेस के बारे में, यहाँ डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो ये काम क्या करता है। Enjoy या Samsung एक्सक्लूसिव फीचर्स सच एज अ फाइंड मोबाइल ऐप, Samsung पे, Samsung हेल्थ, Galaxy स्टोर, स्मार्ट थिंग एक्सेट्रा बाई क्रिएटिंग अ Samsung अकाउंट। तो Samsung अकाउंट के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो, Samsung फाइंड ऐप का यूज़ कर सकते हो, Samsung फाइंड मोबाइल का ऐप यूज़ कर सकते हो, Samsung पे, Samsung हेल्थ, Galaxy स्टोर और जितनी भी Samsung से रिलेटेड सारी ऐप्स हैं, आप Samsung अकाउंट के थ्रू उन सबको एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहला सपोर्ट यू मिलता है। इसके अलावा इफ़ यू आर Samsung अकाउंट इज नॉट अप टू डेट, यू कुड बी इनकाउंटर रिस्ट्रिक्शन वेन यूजिंग अ Samsung एप्लीकेशन। और अगर आप इस ऐप को अपडेट नहीं करते तो हो सकता है कुछ आप फीचर्स उसको यूज नहीं कर पाए अपने Samsung Galaxy में, या कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जिनको आप वहां पर एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे अगर आपने अपडेट नहीं कराया। क्योंकि अपडेट के साथ नए मालवेयर से लड़ने के लिए उसमें कुछ एंटीवायरस को अपलोड किया जाता है, कुछ सिक्योरिटी को इंप्रूव किया जाता है, तो इसलिए इसको अपडेट होना बहुत जरूरी है, ऐसा उनका कहना है। सम ऑफ Samsung एप्लीकेशन आर नॉट अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन योर कंट्री। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आप इसमें Samsung अकाउंट से क्या क्या कर सकते हैं। फाइंड योर लॉस्ट फोन इवन इट इज ऑफलाइन। अगर आपका मोबाइल कहीं चोरी हो जाता है या कहीं घूम जाता है तो आपका मोबाइल अगर ऑफलाइन भी हो जाए तो भी आप Samsung अकाउंट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। साथ में आप अपना अकाउंट बना के अपने पासवर्ड या अपना जो भी चीज़ उसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं प्राइवेसली स्टोर कर सकते हैं, ताकि बाद में उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सके। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर स्टोर कर पाएंगे। तो फाइनली हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ Samsung अकाउंट पे। Samsung अकाउंट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस दिखता है। सबसे पहले आपको एक हिडन सी टिप दे रहा है, ऐड अ फोन नंबर और ईमेल एड्रेस वेयर आर यू रीच योर डिटेक्शन स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑन योर अकाउंट, योर वुड बी अकाउंट विल बी लॉक। तो ये कह रहा है आप अपना कोई भी रिकवरी मेथड को एड ऑन करो, चाहे फोन नंबर हो चाहे आपकी मेल आईडी हो, ताकि अगर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, सस्पिशियस एक्टिविटी मतलब कि कोई भी अगर आपका अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश करता है तो हम आपके अकाउंट को लॉक कर देंगे, बाद में हम अपने आप सेकंड रिकवरी मेल से उसको एक्टिवेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको एड रिकवरी में जाना है। यहाँ जाने के बाद अपना पासवर्ड डाल के, पासवर्ड अगर आप नहीं याद हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको Samsung पास का सपोर्ट मिल जाएगा, उससे आप लॉगिन करके अपना वहाँ पर टू फैक्टर जो भी आप करना चाहते हो, मेल आईडी या फिर आपका फ़ोन नंबर आप वहाँ पर डाल सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे ये मैंने लॉगिन कर लिया है, ये लॉगिन हो गया है, मोबाइल नंबर मेरा डाला हुआ है, चाहे तो मैं मेल आईडी भी डाल सकता हूँ और सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना चाहूँ तो यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन भी डाल के भी आप वहाँ पर उसकी एक्सेस ले सकते हैं। यहाँ पर आएंगे आप, सबसे पहले दिया गया आपको Samsung अकाउंट में, सबसे पहले आपकी आपका जो मेन है आपकी फ़ोटो दिख जाएगी, आपका Samsung का अकाउंट दिख जाएगा जो भी है, जिस आईडी से आपने अकाउंट बनाया। प्रोफाइल इन्फो में जाएंगे तो आपका अकाउंट डिटेल जो भी आपने डिटेल डाल रखी है वो डाल देख सकते हैं। उसके अलावा डिवाइस में जाएंगे, कौन सी डिवाइस पे आपका Samsung अकाउंट लॉगिन है, जैसा कि मेरा Samsung A52s और Samsung की वॉच में यूज़ कर रहा हूँ तो दोनों में मेरा लॉगिन है। और यहाँ पर आप देखेंगे लॉस डिवाइस प्रोटेक्शन को भी ऑन कर रखा है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो भी यहाँ पर ऑन दिख रहा है आपको, और साथ के आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नीचे कौन कौन सी प्लेसेस में आपका Samsung अकाउंट लॉगिन है, होम, ये जो चीज़ ये ऑटोमेटिक उसको फाइंड कर लेता है।
तो मेरा होम और ऑफिस उसने ऑटोमेटिक यहाँ पर फाइंड कर लिया और प्लेसों को एड ऑन कर लिया है। उसके बाद आएंगे यहाँ पर पेमेंट मेथड, तो यहाँ पर अपना कोई भी पेमेंट मेथड को एलोट कर सकते हैं, चाहे आपका UPI आईडी हो, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड हो या आपकी डेबिट कार्ड हो, आप डिटेल को ऐड करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक उन्होंने स्पेशल सा एक फीचर्स को एड ऑन किया गया हुआ है। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का, तो वहाँ पर आपको सिक्योरिटी एंड पासवर्ड, अगर आपके पासवर्ड में वहाँ पर ग्रीन सिग्नल नहीं आ रहा तो मतलब कि आपका पासवर्ड सही नहीं है, आप उसको अच्छे से दोबारा क्रिएट करो और आपका पासवर्ड अच्छा हार्ड या बोल सकते हैं डिफ़िकल्ट होना चाहिए ताकि कोई इजीली उसको क्रैप ना कर पाए, तो उसको आपको वो करना है। अगर इसमें से कहीं भी ग्रीन साइन नहीं आ रहा तो आपको वो एक्टिविटी आपको करनी होगी, जिससे आपके मोबाइल की सिक्योरिटी, आप उसको सैमसंग अकाउंट की सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले पासवर्ड चेंज करना चाहिए, रिसेंट अकाउंट एक्टिविटी अगर आप चेक करना चाहते हैं कुछ गलत हुआ तो वो दे सकते हैं, 2-factor वेरिफिकेशन को आपको ऑन कर लेना है, ये तीन चीज़ आपको कर लेनी है। उसके बाद अकाउंट रिकवरी मेथड में जैसा कि मैंने बताया आपको मोबाइल नंबर या फिर अपना मेल आईडी को यहाँ पर रजिस्टर्ड कर लेना है। देन उसके बाद प्राइवेसी नोटिस, जो भी इसके रिलेटेड प्राइवेसी नोटिस होंगे वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर आपको सैमसंग प्राइवेसी वेबसाइट में ले जाएगा, जो भी उससे रिलेटेड होंगे डॉक्यूमेंटेशन आपको वो पढ़ के बता देगा भैया, ठीक है। उसके बाद आपको यह कस्टमाइजेशन सर्विस, ये क्या करता है, जो भी आपको सैमसंग से अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी आपको टैप्स या जो भी चीज़, जब भी आप इसको फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो आपसे एग्री करके मांगेगा और आपको इसको ऑन कर देना है। अब कस्टमाइजेशन सर्विस क्या करती है, कुछ आपको कस्टमाइज सर्विस क्या करती है, आपके डेटा को आपके यूजर्स को कैप्चर करती है और बाद में उसी से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ टिप्स देते रहते हैं। लिखा है गेट कस्टमाइज कंटेंट एंड रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट लोकेशन एंड हाउ यूर फाइंड, मतलब कि आपने अगर गूगल में सर्च करा आईफोन या सैमसंग मोबाइल तो आप कुछ टाइम बाद देखेंगे, जब भी अगर आप इंस्टाग्राम चलाएंगे फेसबुक चलाएंगे उसी से रिलेटेड आपको ऐप्स, उसी से रिलेटेड आपको एड्स आएंगी, बिकॉज वो जो आपने सर्च करा है वो डेटा को कैप्स करके उससे रिलेटेड आपको एड्स दिखाएंगे आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, जैसा कि लिखा हुआ है बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट लोकेशन हाउ आर यूर, आपकी लोकेशन के हिसाब से और जो भी आपके डिवाइस सूटेबल होता है उसके हिसाब से ही ये काम करता है, तो उसमें भी सैमसंग अकाउंट की लॉगिन चलता है। उसके अलावा डाटा मैनेजमेंट में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कौन कौन सी ऐप का डेटा वो एक्सेस करता है, क्या क्या एक्सेस करता है, सब आपको दिख जाएगा। आपको कौन सी एक्सेस बंद करना है आप उसको यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा कस्टमाइजेशन ऐप्स में जाएंगे, कौन कौन सी ऐप यहाँ पर आपकी एक्सेस करती है डेटा को वो आपको बता देगा, आप चाहें तो उसको ऑफ करना चाहें ऑफ कर दो। प्राइवेसी नोटिस में नोटिस क्या है, परमिशन क्या क्या लेता है वो बता देगा आपको, किस चीज़ की परमिशन ली हुई है। इसके अलावा नीचे की तरफ आएंगे डाउनलोड योर डेटा, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं अपना डेटा तो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इरेज भी करना चाहते हैं अपने डेटा को, आप यहाँ पर इरेज भी कर सकते हैं ताकि कोई उसका मिसयूज़ ना कर सके। उसके बाद है नीचे लिखा है गेट न्यूज़ एंड स्पेशल ऑफर्स, अगर आपको न्यूज़ और स्पेशल ऑफर्स चाहिए तो उसको टिक कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं है आप उसको हटा सकते हो, मतलब कि एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट को आप ऑफ करना चाहो तो ऑफ कर सकते हो। जैसा कि मैंने लिखा है इंप्रूविंग पर्सनलाइज एडवर्टाइजमेंट, मैंने उसको ऑफ कर रखा है, आप चाहें तो ऑन कर लो, ये क्या रहता है नोटिफिकेशन में आपको फालतू के एडवर्टाइजमेंट दिखाते रहते हैं। उसके बाद बात आएंगे सैमसंग, जैसा कि सैमसंग अकाउंट कहाँ कहाँ लॉगिन होता है वो सारी ऐप्स आपको यहाँ पर दिख जाएगी, जैसे सैमसंग का क्लाउड ऐप में भी आपकी लॉगिन चलेगा, गैलेक्सी शेयरिंग में भी चलेगा, सैमसंग पासवर्ड में भी चलेगा, सैमसंग फाइंड में भी चलेगा, एंड देन सैमसंग ऐप्स एंड सर्विसेज में भी वो यूज़ होगा। तो बस यही है सैमसंग अकाउंट, उसको अपडेट कर लेना है, अपडेट करने से आपकी सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी दोनों यहाँ पर इंप्रूव होती रहेंगी। ऐसी नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पे DM, या मेरे सबसे आसान अगर आप मेरे अपडेट्स को जल्दी पाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप के ग्रुप में मुझे फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सअप के चैनल पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आपको मेरी नई वीडियो की लिंक फटाफट आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूलना भाई, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते, सिर्फ नीचे लाल बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर दो और आप सब्सक्राइब कर लेंगे, तो थैंक यू सो मच।